हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल उमेश गुरु ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि जब आप फेसबुक पे वीडियो को अपलोड करते हैं तो वो कौन सा लैंग्वेज का होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन सा लैंग्वेज है और वो वीडियो मोनेटाइज होगा कि नहीं, आपको कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहिए, ए टू जेड सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है आपको, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से लैंग्वेज को फेसबुक इन स्ट्रीम एड के लिए सपोर्ट करता है। उसके बाद हम जानेंगे कि जब आप वीडियो को अपलोड करते हैं तो किस टाइप के लैंग्वेज में जो है आपका वीडियो मोनेटाइज होगा, मल्टीपल लैंग्वेज मोनेटाइज होगा या नहीं, मल्टीपल लैंग्वेज को आप कैसे मोनेटाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से लैंग्वेज को ये जो है फेसबुक इन स्ट्रीम एड के लिए सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है, मैं लिस्ट को स्क्रॉल करके ऊपर ले जाता हूँ, आप चाहे तो इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अरबिक, असामी यहाँ पे स्टार दिया गया है, तो यहाँ पे कुछ संदेह है ये वाला लैंग्वेज को मोनेटाइज कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। यहाँ पे बंगाली, भोजपुरी, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, गुजराती, हिंदी तो है, यहाँ पे ढेर सारा लैंग्वेज दिया गया है। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं उर्दू पे भी स्टार लगा हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सा कंट्री जो है मोनेटाइज्ड है। अपने इंडिया तो मोनेटाइज ही है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान मोनेटाइजेशन में नहीं आता है, उसका लिस्ट भी आप यहाँ पे पहुंच करके पढ़ सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि लैंग्वेज जो आपका सपोर्ट करता है, आपने देख ही लिया कि कौन कौन सा लैंग्वेज सपोर्ट करता है। अब हम ये जानते हैं कि लैंग्वेज जो आप लगाएंगे डिस्क्रिप्शन और टाइटल में उसको किस तरह से लगाएंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे टाइप करके रख लिया है। हम इस आर्टिकल में आपको ए टू जेड बताएंगे कि किस टाइप का लैंग्वेज आपके वीडियो को मोनेटाइज कर पाएगा, व्यू को काउंट कर पाएगा। यहाँ पे अगर देखिए, वीडियो दैट इंक्लूड मल्टीपल लैंग्वेज माइट नॉट बी एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, वी रिकमेंडेड दैट द ऑल वीडियो कंटेंट इज वन लैंग्वेज दिस इंक्लूड। अगर आप मल्टीपल लैंग्वेज लगाते हैं अपने फेसबुक वीडियो में तो वो जो है मोनेटाइज नहीं होगा। अगर आप मल्टीपल लैंग्वेज वाला वीडियो है तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आपको एक प्राइमरी लैंग्वेज वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका वीडियो है तो आपको एक ही लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो हिंदी को सेलेक्ट करेंगे या फिर इंग्लिश को। अगर हिंदी उर्दू तीन चार लैंग्वेज वाला वीडियो है आपका तो आपको प्राइमरी लैंग्वेज एक ही सिलेक्ट करना होगा, तभी आपका वीडियो मोनेटाइज हो पाएगा। और यहाँ पे जो आपका प्राइमरी, जैसे कि मान लीजिए आपने हिंदी को सिलेक्ट किया तो आपका टाइटल भी हिंदी में ही होना चाहिए, आपका डिस्क्रिप्शन भी हिंदी में ही होना चाहिए, उसका ऑडियो भी हिंदी में ही होना चाहिए, उसके ऊपर जो आप सबटाइटल लगाएंगे, कैप्शन लगाएंगे वीडियो को एडिट करते समय, वो भी आपका हिंदी में ही रहना चाहिए। म्यूजिक का लैंग्वेज भी आपका हिंदी में होना चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ दैट इंक्लूड मोर देन वन लैंग्वेज यहाँ पे दिया गया है कि ये सभी जो है आपका एग्जाम्पल के लिए आपको एक ही लैंग्वेज में होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया चार एग्जाम्पल दिया और लास्ट में उन्होंने लिखा, इफ यू सबमिट अ वीडियो फॉर एलिजिबिलिटी रिव्यू एंड इट्स डन, यू कैन एडिट द वीडियो एंड ट्राई अगेन। अगर आपका इस तरह से आपका वीडियो एडिट है तो आपका जो है मोनेटाइजेशन डैंड किया जाएगा, एलिजिबिलिटी आपका रद्द कर दी जाएगी और आपका वीडियो मोनेटाइज नहीं होगा। इसको हम आपके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लेके जाकर दिखा देते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये क्लियर किया है, वीडियो दैट इंक्लूड मल्टीपल लैंग्वेज माइट नॉट बी एलिजिबल मोनेटाइजेशन। और यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने तीन एग्जाम्पल लिख दिया है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे ये क्लियर किया है कि इफ़ यू सबमिट अ वीडियो फॉर एलिजिबिलिटी इट्स डैंड। डैंड का मतलब क्या हुआ, इसको आप इंटरनेट पे सर्च करके भी देख सकते हैं। डैंड मतलब जो है आपका वीडियो जो है मोनेटाइज नहीं होगा और ये जो है आपको फिर से एडिट करके उसे ट्राई अगेन करना होगा, उसके बाद ही आपका मोनेटाइजेशन उस वीडियो पे इनेबल हो सकेगा। फ्रेंड्स, तो ये वीडियो भी बहुत ही ज़रूरी था, बहुत बंदे को ये पता नहीं होगा, ये छोटी छोटी बातें को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप इन स्ट्रीम एड पर काम करते हैं तो आपका मेहनत, आपका टाइम स्पेंड वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको जो है ये बीच बीच में आपको नॉलेजेबल वीडियो देता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इन स्ट्रीम एड से रिलेटेड वीडियो को यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ और YouTube मोनेटाइजेशन से रिलेटेड भी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक पावरफुल एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।